स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल बोलो हो गया में। आज इलेक्ट्रिसिटी का जितना कॉन्सेप्ट है सबको क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से इसको एक बार देख लिए आप, आपको कभी भी परेशानी नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में, ठीक है। दोस्तों देखिए क्या है, सबसे पहले आप सुने होंगे ओम्स ला। क्या ओम्स ला? ओम्स ला, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे देखे होंगे कि वी बराबर आई आर लिखा रहता है, ठीक है, वी बराबर आई आर लिखा रहता है, ठीक। लेकिन ओम्स ला होता क्या है, मतलब कि समान ताप, नियत ताप और दाब पे, नियत ताप और दाब पे, ठीक है, क्या होता है, वोल्टेज करंट के समानुपाती होता है। देखिए दोस्तों, नियत ताप और दाब पे वोल्टेज करंट के समानुपाती होता है, इसी को क्या बोलते हैं, ओम्स ला बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जब ये प्रोपोर्शन हटता है, ठीक है, तो बराबर आता है तो क्या आता है, यहाँ पे R आ जाता है और I, इसी को क्या कहते हैं, V बराबर आई आर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए सवाल को इतना बारीकी से समझिए कि समझ में आ जाए, ठीक है, V बराबर आई आर। अब देखिए क्या होगा, अब पूछता है कि V है और I है और R है, तो V से क्या समझ रहे हैं, ये क्या है, वोल्ट है, और I से क्या समझ रहे हैं, क्या है, करंट है, और R से क्या समझ रहे हैं, रजिस्टेंस है, क्या है, रजिस्टेंस है। समझिए दोस्तों, करंट का हिंदी क्या होता है, धारा, और रजिस्टेंस का हिंदी क्या होता है, प्रतिरोध। देखिए ये जो वोल्टेज है, धारा है, प्रतिरोध है, इसको समझते हैं। धारा किसे कहते हैं, धारा उसे कहते हैं जो करंट जो है, जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना इन पार्टिकुलर टाइम, यानी कि आवेश का बहना एक टाइम पे क्या कहलाता है, धारा कहलाता है। अब धारा से रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट है सबको पहले समझेंगे, ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस को समझेंगे, उसके बाद वोल्टेज को समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध, जो धारा का विरोध करे उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आते हैं करंट पे, करंट को पूरा समझते हैं, क्या है करंट, ठीक है, करंट के बारे में समझते हैं। करंट यानी कि आई, इसको क्या कहते हैं, धारा, ठीक है। धारा के बारे में समझने से पहले सबसे पहले समझे Q बराबर आई इंटू टी। आई क्या है, धारा है, ठीक है, यानी कि आई बराबर Q अपान टी। अब यही है, आवेश का बहना एक टाइम पर क्या कहलाता है, धारा कहलाता है। देखिए डिफिनीशन कैसे बनता है, ऐसे ही बनता है, ध्यान दीजिए, यानी कि चार्ज फ्लो इन पार्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड करेंट, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब इसको, अब इसका क्या क्या होता है समझिए, ये क्या है, कूलाम है, चार्ज है, क्या है, चार्ज, यानी कि आवेश, आवेश, ठीक, और ये क्या है, टाइम है, ठीक है। अब इसका क्या होता है, यूनिट, धारा का यूनिट यानी कि मात्रक, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। देखिए दोस्तों एम्पियर समझिए, अब धारा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो धारा क्या होता है समझ गए, क्यू क्या है, इसमें क्यू आया था उसको भी समझ गए, ठीक है, धारा को समझ गए। और धारा का क्या क्या हो सकता है उसको देखिए, और क्या हो सकता है, वी बराबर आई आर, मैंने आपको बताया था वी बराबर आई आर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, वी अपान आर, ये भी एक धारा का फॉर्मूला हो गया। देखिए दोस्तों जितना कॉन्सेप्ट आए उसको लिखते रहिए और समझते रहिए, ठीक है, ठीक, ये भी क्या हो जाएगा, एम्पियर में आएगा, ठीक है। अब इस पे सवाल क्या आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, देखिए कहेगा कि 220 वोल्ट की सप्लाई है, 220 वोल्ट की सप्लाई है और 10 ओम का एक प्रतिरोध है, बल्ब का प्रतिरोध है यानी कि रेजिस्टेंस है 10 ओम, तो उसमें कितना धारा प्रवाहित करेगा, कितना धारा प्रवाहित करेगा, तो क्या करेंगे, वी बराबर आई आर, उसके बाद क्या हो जाएगा, आई बराबर वी बटे आर, बी की जगह पर क्या रख देंगे, 220, आर की जगह पर क्या रख देंगे, 10, यानी कि आंसर कितना आ गया, 22 एम्पियर। देखिए दोस्तों सवाल को कैसे लगाना है, ध्यान से देखिए,
ये है आई बराबर भी अपन आर, भी आपको दिया हुआ है, आर आपको दिया हुआ है, तो क्या करेंगे भी, भी को पुट कर देंगे 220 जो दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा आप पुट कर देंगे, आर दिया है 10 इसको पुट कर देंगे और लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसके संदर्भ में क्या सवाल आ सकता है कि कह देगा कि चार्ज है क्या है, गुलाम दे देगा, कह देगा कि 10 गुलाम का कोई आवेश है, ठीक है, चार्ज है, 10 सेकेंड में कितना करंट बहेगा, तो क्या हो जाएगा आई बराबर 10/10, आंसर कितना आ गया 1 एम्पियर। देखिए दोस्तों ये दोनों को बारीकी समझिए, क्यू बराबर आई टी और भी बराबर आई आर, दो फार्मूला मैंने आपको बता दिया, पहला बता दिया क्यू बराबर आई और टी, यानी कि आई बराबर क्यू अपान टी, ठीक है, और दूसरा क्या बता दिया आई बराबर भी अपान आर। अब देखते हैं नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए पावर पी क्या है, पावर पी बराबर होता है भी आई, पी बराबर भी इंटू आई। अब जो है भी के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, भी बराबर आई आर बताया था, ठीक है, अब भी बराबर आई आर को अगर यहाँ पे पी बराबर भी आई होता है, यहाँ पुट कर दें भी बराबर आई आर, तो क्या होगा, देखिए पी बराबर क्या हो जाएगा, अगर आई आर पुट कर दिया जाए तो आई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आई इंटू आई, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लॉजिक क्या है, ध्यान से समझिए, आई स्क्वायर आर हो गया, अब क्या होगा कि अब कहेगा कि आई के बारे में बताइए, ये पी हो गया, पी बराबर आई स्क्वायर आर, आई के बारे में बताएंगे तो क्या कहेंगे आई स्क्वायर बराबर पी अपान आर, यानी कि आई बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट पी अपान आर। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक और फार्मूला आई का आ गया पी अपान आर, वैसे ही आपको अभी क्या मिला था आई बराबर भी अपान आर, और एक क्या मिला था आई बराबर क्यू अपान टी, देखिए तीन फार्मूला गया ना आई का, देखिए कहाँ से क्या आ रहा है उसको समझिए। अब ये वाला जो फार्मूला बना है ये वाला, ये कहाँ कैसे बना है, भी बराबर आई आर आपको पता था, भी बराबर आई आर पता था, और पी बराबर भी आई, ठीक है, अब भी आई में आई आर रख दिए तो क्या मिल गया आई स्क्वायर आर मिल गया, ठीक है दोस्तों। इसमें पूछेगा पावर का जो ऑप्शन दे देगा दो, ठीक है, चार ऑप्शन दे देगा आई स्क्वायर आर, आर स्क्वायर ऐसे करके दे देगा, तब क्या करेंगे आई स्क्वायर आर को टिक कर देंगे, सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इस पे सवाल क्या आ सकता है, ध्यान दीजिए सवाल आएगा, कहेगा कि 20 वाट, पावर का यूनिट क्या होता है वाट होता है, पावर का यूनिट वाट, 20 वाट का बल्ब है, 20 वाट का बल्ब है 10 ओम रेजिस्टेंस, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो बताइए धारा कितने प्रवाहित करेगा, तो क्या करेंगे P बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर, P बराबर क्या है 20 है, I कितना है पूछ रहा है, और R कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे आई स्क्वायर बराबर 20/10 कटा देंगे तो आई स्क्वायर बराबर 2, यानी कि आई स्क्वायर बराबर 2 आ गया, तो आई बराबर अंडर रूट 2 आ गया। देखिए दोस्तों कितने आसानी से सवाल लग गए, लेकिन आपको क्या है कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, एक ही दो ही कॉन्सेप्ट है, तीन ही इसका आई का कॉन्सेप्ट है, भी बराबर पी बराबर भी आई, भी बराबर आई आर, और क्यू बराबर आई टी, इसी को इधर से उधर करके मिला उला के फार्मूला बना हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं। देखिए दोस्तों करंट जो है जिसका बताए हैं इसका ओवरव्यू एक बार देख लीजिए, उसके बाद इसका रेजिस्टेंस समझते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, पहले करंट का ओवरव्यू देख लिया जाए, ठीक है, करंट के बारे में क्या आपको जानना जरूरी था, आई से क्या समझते हैं धारा, क्या समझते हैं धारा, इंग्लिश में क्या कहते हैं करंट कहते हैं, ठीक है, क्लियर। करंट का मतलब क्या हो गया, क्यू बराबर आई इंटू टी, आई क्या है करंट है, यानी कि आई बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपान टी, क्लियर, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद भी बराबर आई आर, यानी कि ओम्स लॉ है, ठीक है, भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है, तो आई कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे आई बराबर क्या हो गया भी अपान आर, और आई का मात्रक क्या होता है अभी बता रहे हैं, ठीक है, आई का मात्रक अभी लिखवाए हैं, आई का मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है, और एक क्या होता है पी बराबर आई स्क्वायर आर, यानी कि आई स्क्वायर बराबर पी अपान आर, तो आई बराबर क्या हो गया अंडर रूट, आई बराबर क्या हो गया अंडर रूट
पी अपान आर। देखिए दोस्तों, ये और ये तीनों को जो है आपको समझना है। ये जो चीज आया है कहाँ से आया है, ध्यान दीजिए, पी बराबर क्या होता है, वी इंटू आई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई बराबर पी अपान वी। देखिए एक और है, एक दो तीन चार पाँच, माने एक दो तीन चार, चार ठो जो आई है, ठीक है, आई का फॉर्मूला है करंट का, चारों को ध्यान में रखिए, कहाँ से आया है, कैसे आया, इसको बार बार देखिए और इसको रिवाइज मारिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब होता क्या है कि कभी कभी कहता है कि करंट है, कहेगा कि तीन मिली एम्पियर है, तीन मिली एम्पियर है। मिली का मतलब क्या होता है दोस्तों, तीन इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री एम्पियर, ठीक है। इस पे सवाल देखते हैं एक दो और लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे सवाल लगा रहे हैं तो क्या होगा कि कहेगा कि धारा जो है तीन मिली एम्पियर से बह रहा है, ठीक, और रजिस्टेंस दे देगा 20 ओम, कितना 20 ओम दे देगा, ठीक है। तो बताइए वोल्टेज क्या होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए, धारा कितना बढ़ा है, 3 मिली एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम है और वोल्टेज पूछ रहा है, तो क्या होता है, वी बराबर आई इंटू आर, वी बराबर आई इंटू आर होता है। तो वी बराबर क्या करेंगे, आई की जगह पर रखेंगे 3 इंटू मिली एम्पियर है तो 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू आर क्या हो जाएगा 20, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 × 6 60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वोल्ट। इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 60 मिली वोल्ट, 10 टू द पावर क्या लिख देंगे, मिली वोल्ट। देखिए दोस्तों ये आपका हो गया आंसर। अब इसी पे और सवाल देखते हैं क्या क्या आ सकते हैं, इतना आप सवाल कर लेंगे जितना बता रहे हैं, कोई एग्जाम में छूटने वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहेगा क्वेश्चन कि रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, प्रतिरोध प्रतिरोध दे देगा 100 किलो ओम। आप कहेंगे किलो क्या होता है, किलो क्या होता है, तो समझिए ये के का मतलब हो गया 10 टू द पावर 3, यानी कि 100 × 10 टू द पावर 3 ओम, समझिए। उसके बाद कहेगा कि करंट धारा, धारा दे देगा 10 मिली एम्पियर, मिली का मतलब क्या हो गया 10 × 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, इतना करंट फ्लो हो रहा है, इतना रेजिस्टेंस है, तो बताइए कि वोल्टेज क्या होगा। तो वी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर, आई क्या है, आई है आपका 10 × 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू आर कितना है 100 × 10 टू द पावर 3, ये क्या है वोल्ट है। अब देखिए दोस्तों ये 10 टू द पावर माइनस 3 है और 10 टू द पावर 3 है, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1000 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। देखिए दोस्तों कितना आसानी से लग गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझने वाला, इस बताने का मकसद क्या था हमारा कि के से डरिए मत, के का मतलब क्या होगा 10 टू द पावर 3 यानी कि 1000, ठीक है, और इससे मत डरिए, ये क्या है मिली एम्पियर है 10 टू द पावर माइनस 3। इसी तरह माइक्रो होता है, क्या होता है माइक्रो एम्पियर, जब माइक्रो एम्पियर आएगा तो क्या करेंगे 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर, ध्यान दीजिए कहेगा 20 माइक्रो एम्पियर है। इस पर एक सवाल लगाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों इस पर एक सवाल लगाते हैं, कहेगा कि आई बराबर 20 माइक्रो एम्पियर है, धारा क्या है 20 माइक्रो एम्पियर है, रेजिस्टेंस 10 किलो ओम है, तो वोल्टेज बताइए कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि धारा जो है 20 माइक्रो एम्पियर है और रेजिस्टेंस कितना है 10 किलो ओम है, तो क्या बताइए वोल्टेज बताइए क्या होगा। तो क्या करेंगे, वी बराबर आई इंटू आर, आई कितना है 20 है, माइक्रो एम्पियर है यानी कि 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10, किलो है तो 10 टू द पावर 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, ये घटेगा तो हो जाएगा आपका 20 × 10 200 × 10 टू द पावर माइनस 6 और 3, 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है दोस्तों, माइनस 3 है यहाँ पे है, तो 0.2 वोल्ट
क्या आ गया आपका फाइनल आंसर आ गया। देखिए दोस्तों सवाल को बारीकी से समझिए, माइक्रो इसका मतलब क्या था, माइक्रो मतलब 10^-6 और किलो का मतलब 10^3, ऐसे ही कर करके लगाइए, प्रैक्टिस करिए, इस पर एक दो सवाल अपने मन से लगाइए, ठीक है, उसके बाद इसको समझिए और किताब से सवाल लगाइए, टोटल सवाल आपका लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, प्रतिरोध को समझते हैं, प्रतिरोध यानी कि रजिस्टेंस, समझिए प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध करना, किसी भी चीज को प्रतिरोध करना, रोकना, यानी कि करंट आ रहा है तो उसको रोकना, उसको क्या क्या प्रतिरोध करना, ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि आप चलते हैं तो क्या करते हैं, घर्षण को प्रतिरोध करते हैं, बाहर फेंकते चलते हैं, धक्का मार के ऐसे चलते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं प्रतिरोध। उसी प्रकार जब करंट आता है तो उसको रोकने वाले को क्या करते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो यही आपको समझना है क्या होता है प्रतिरोध, ठीक है। देखिए प्रतिरोध का कनेक्शन पहला क्या होता है, सीरीज में होता है, और दूसरा क्या होता है, पैरेलल में होता है। पहला होता है सीरीज में, सीरीज का हिंदी होता है श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, और दूसरा होता है पैरेलल यानी कि समांतर क्रम। देखिए दोस्तों श्रेणी क्रम को पहले समझते हैं फिर समांतर क्रम को समझते हैं। श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, समांतर क्रम में क्या समान होता है, क्या समान के मतलब क्या हुआ कि श्रेणी क्रम में वोल्टेज समान होगा कि पावर समान, वोल्टेज समान होगा कि करंट समान होगा, ठीक है, और पैरेलल में वोल्टेज समान होगा कि करंट समान होगा, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम में आते हैं, श्रेणी क्रम में जब आए तो इसका कनेक्शन कैसे होता है, इसको देखिए R1 R2 R3 R4 कुछ भी हो सकता है जितना हो, ठीक है, इसका जब ऐड करेंगे टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे इसका, तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R = R1 + R2 + R3, ठीक है दोस्तों। यानी कि अगर 4 रहेगा ये और ये 3 रहेगा, ये 5 रहेगा, तो आंसर कितना आएगा, 4 × 3 = 7, 7 × 5 = 12, कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 12 आ जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार इसमें कहता है कि जो सीरीज कनेक्शन है इसमें धारा क्या होती है, समान रहता है, धारा समान रहता है यानी कि करंट इक्वल रहता है, यहाँ भी करंट वही होगा जो यहाँ होगा जो यहाँ होगा, ठीक है दोस्तों। श्रेणी क्रम में धारा समान होता है, आप लिख लीजिए नोट बना के, ठीक है। अब देखिए अब नंबर आता है पैरेलल कनेक्शन का, किसका, पैरेलल का, कैसा होता है पैरेलल कनेक्शन करके देख लीजिए, ऐसे होता है। देखिए दोस्तों जो घर में वाइंडिंग होता है, घर में वायरिंग, घर में जो वायरिंग होता है, तो जो घर में वायरिंग होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा, जहाँ प्लग लगाएंगे वही वोल्टेज वही होगा, हर जगह प्लग होगा, वहाँ पर जहाँ जहाँ लगाएंगे क्या होगा वोल्टेज, वहाँ पर समान वोल्टेज होगा। उसी प्रकार इसमें क्या समान हो गया, वोल्टेज समान हो गया, यानी कि वोल्टेज वोल्टेज समान रहता है। देखिए दोस्तों यहाँ भी वोल्टेज वही होगा, यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा, तीनों में वोल्टेज समान होगा लेकिन करंट अलग होगा, इसमें करंट समान था लेकिन वोल्टेज अलग था, ध्यान दीजिएगा। इसको रिलेट करके रहिए कि आपका जो रूम है घर है वो कौन सा कनेक्शन में रहता है, हमेशा पैरेलल कनेक्शन में रहता है। देखते कभी कभी बल्ब फ्यूज हो जाता है तो वो दूसरा बल्ब जलता है, उसी प्रकार इसमें कोई फ्यूज हो जाएगा तो जलेगा नहीं, ठीक है, इसमें फ्यूज होने के बाद भी क्या होता है वो जलता है, क्यों जलता है, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में वो रहता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, ठीक। अब इसका कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए, अगर ये R1 रहे और R2 रहे और R3 रहे तो क्या करेंगे, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कनेक्शन का ये आंसर हो गया। लगा देंगे मान लीजिए 2, 3, 4 दिया रहेगा तो ये है 2 है, ये 4 है, 3 है और 5 है, तो क्या करेंगे, 1/3 + 1/4 + 1/5 जोड़ देंगे, आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है।
कनेक्शन सही से कर दीजिए, फोर को यहाँ फोर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे थ्री लिख दीजिए तो वो आपका आंसर आ जाएगा, एलसीएम निकाल के निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इस पे सवाल क्या आते हैं उसको देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट को विशेष ध्यान दीजिएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है, प्रतिरोध क्या है, ये क्या है, हो गया, ठीक है, इसको देखिएगा। अब इसका जो है और रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूले हो सकते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट उसका कॉन्सेप्ट क्या है समझते हैं रेजिस्टेंस का। प्रतिरोध, ठीक है, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, समझिए, आर इक्वल टू रो यल बाई ए, याद नहीं होता है, समझ में नहीं आता है क्या है, कैसे लगेगा, ठीक है। इसको समझने का उपाय क्या है समझिए, ठीक है। ये क्या है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता, यानी कि रजिस्टिविटी, क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता, इसको बोलते हैं लेंथ। अब किसको क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, अभी समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं एरिया, समझिए। ये तार है, क्या है, वायर है, ठीक, वायर, वायर में सर्कल है कि नहीं है, ये वायर में सर्कल है ना, इस सर्कल को, सर्कल है ना, इसका एरिया निकालेंगे, वही एरिया ए है, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, समझिए दोस्तों। और ये जो लेंथ है सर्कल का, यही यल है, क्या है, यल है, ठीक है। जब यल बढ़ेगा तो पतला होगा कि नहीं, जैसे मान लीजिए यल बढ़ा दिए, यल को बढ़ा दिए तो क्या हो जाएगा, तरवा पतर हो जाएगा, क्या हो गया, पतर हो गया, ठीक है। जब यल को बढ़ा देंगे तो क्या, एरिया घट जाएगा, देखिए यल को खींच दिए, धक्का चाँप दिए, ऐसे खींच दिए, खींचने के बाद क्या होगा, ये कम हो जाएगा, ठीक है, मोटाई कम हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार इसको समझते हैं, क्या कम होता है, क्या ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, देखिए R इजक्ल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यल बाई ए, इसको हटा दिए, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, जब एरिया बढ़ेगा, जब एरिया बढ़ेगा, ठीक है, मान लीजिए एरिया बढ़ गया, मोटा हो गया, मोटा कब होगा, जैसे एक तार है, पतला सा तार है, इतना बड़ा, ठीक है, तार है, इसको मोटा करना होगा, धक चाँप दे, इसे दबा देंगे, इसे दबाने के बाद क्या होगा, दबाने के बाद क्या होगा, ये हैगा मोट हो जाएगा और ये छोट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दबा दिए तो मोटा हो गया, ऐसे यानी कि ये बढ़ गया तो लंबाई क्या हो गई, देखिए छोटा हो गया, लंबाई छोटा हो गया, जब लंबाई छोटा हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिए। चित्र बना के समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो कभी समझ में नहीं आएगा। फिर एक बार समझिए, पतला सा तार लिए हैं, पतला सा तार लिए हैं, ठीक है, इसको कंप्रेस कर दिए, इसे दबा दिए, चाँप दिए एक दूसरे में, चाँपने के बाद क्या हुआ कि ये इस पैटर्न में आ गया, कैसे आ गया, ऐसे आ गया, तो मोट हो नहीं जाएगा, चाँपेंगे तो दबेंगे तो मोट हो जाएगा, मोट हो गया। उसके बाद क्या होगा, ये जो मोटैया जो ए है बढ़ गया, लेकिन क्या घट गया, यल क्या हो गया, कम हो गया। वही चीज मैं लिखा हूं कि जब एरिया बढ़ेगा किसी तार का तो लंबाई कम हो जाएगी और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है, समझिए लॉजिक से। मान लीजिए पापा है, ये मम्मी है, ये बेटा है, ये पापा है, मम्मी है और बेटा है। जब बाऊ जी खिसियाएंगे, बाऊ जी डांटेंगे तो लड़कवा क्या करेगा, रोने लगेगा, लड़कवा रोने लगेगा तो लड़कवा को मनाने के लिए मम्मी भी क्या करेंगी, रोने लगेंगी, क्लियर। तो समझिए कि बाप जब डांटेंगे, पापा डांटेंगे तो लड़का क्या करेगा, रोने लगेगा, जब लड़का रोने लगेगा तो मम्मी भी रोने लगेंगी, समझ गए हैं दोस्तों। ऐसे लॉजिक बना बना पढ़िए, फिर इसका एक और लॉजिक है समझाते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है, आर इज डायरेक्टली यल बाई ए। अब हुआ कि चलो भाई पापा नहीं किसी आ रहे हैं, अब पापा पे असर डाला जाए तो क्या होगा, मम्मी जब डांटेंगी, ठीक है, मम्मी डांटेंगी, अच्छा है मम्मी डांट नहीं रही है, मम्मी डांटी थोड़ी है, मम्मी जब चढ़ा रही है लड़के को, लड़का भी क्या करेगा, बहुत सही, अब बाबू जी क्या करेंगे, डांटेंगे, ठीक है। यानी कुल मिला जुला के ये क्या है, पापा हैं, और ये क्या है, मम्मी हैं, और ये क्या है,
बेटा जी हैं, तो जब जब पापा डांटेंगे तो क्या होगा? पापा डांट नहीं रहे, पापा तो खुद गुस्साए हैं। क्यों? क्योंकि लड़का का हो गया है, बदमाश हो गया है। किसके वजह से हो गया है? मम्मी की वजह से हो गया है। तो क्या हो गया, समझ में गया? यानी कि अगर किसी तार का एरिया घटा दिया जाए, किसी तार का एरिया घटा दिया जाए तो लंबाई बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। इस पे सवाल बार बार पूछता है, पूछा भी है। जैसे कि अभी देखिए, एक सवाल पूछा क्या है कि जब जब लंबाई 3 times यानी कि 3 गुना क्या कर दी जाए, बढ़ा दिया जाए 3 times बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा? ठीक है, देखिए, जब लंबाई 3 times बढ़ाएंगे, ठीक है, लंबाई 3 times बढ़ाएंगे तो एरिया क्या होगा, 3 times कम हो जाएगा। तो देखिए, जब ये लंबा जो कोई तार है, क्या है, तार है, ठीक है, तार का लंबाई है कुछ है, फिलहाल क्या है, आर एल बाई ए है, रो एल बाई ए है, ठीक है, लंबाई बढ़ा दिए 3 times, लंबाई बढ़ा दिए 3 times तो एरिया 3 times कम हो जाएगा, ठीक है, और ये आर है तो 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3 × 9 एल बाई ए आर। देखिए कितना गुना बढ़ गया रेजिस्टेंस, 9 गुना बढ़ जाएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्त, फिर एक बार इस सवाल को मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या बोला सवाल में, क्वेश्चन क्या बोला कि जब जब तार की लंबाई 3 गुना कर दी जाए, जब तार की लंबाई 3 गुना कर दिया जाए जब तार की लंबाई 3 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा? देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस क्या होगा पूछा है, तो हमको पता है, आपको पता है क्या होता है, आर इंडक्टिव एल बाई ए, ये हो गया स्टैंडर्ड फार्मूला, ठीक है। अब इसी को बढ़ा रहा है घटा रहा है, अब कैसे बढ़ा रहा है घटा रहा है, देखिए लंबाई को 3 गुना कर दिया, जब आप ही बताइए, अभी आपको मैंने क्या बताया, ये तार है, ठीक है, तार है, इसको क्या किया कि बढ़ा दिया, 3 गुना कर दिया, क्या कर दिया, 3 गुना कर दिया, तो आप बताइए तारवा और पतला जाएगा ना, तार और पतला हो जाएगा, यानी कि एरिया और कम हो जाएगा, ठीक है, और लंबा हो गया खूब ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा, ये 3a/3 हो जाएगा, ठीक है, 3 कम हो जाएगा, 3 बढ़ाए तो 3 कम होगा। देखिए तो आर बराबर क्या हो गया, 3 बढ़ा है 3l अपान ए अपान 3, 3×9l/a, ये जो 9 गुना बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है दोस्तों, नहीं समझ में आएगा कमेंट करिए, फिर समझाएंगे, ठीक है, लेकिन इसको बार बार देखिए कैसे हो रहा है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक दोस्तों, किलोवाट आवर को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से देखिए, 1 kWh को जूल में कन्वर्ट करना होगा, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, 10^3, ठीक है, और घंटा क्या बदल देंगे, सेकेंड में बदल देंगे, तो क्या बदल जाएगा, जूल में बदल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये इसको मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 1000, ये हो गया 3600 जूल, फिर क्या हो जाएगा, 36 × 10^5 जूल, ठीक है दोस्तों। कभी कभी क्या करता है कि 3.6 × 10^6 जूल दे देता है, ये पॉइंट को जब इधर करेंगे तो एक और जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया जूल का कॉन्सेप्ट, किलोवाट आवर इन कन्वर्ट इनटू जूल, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, कहने का मतलब है कि सवाल को कैसे लगा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। देखिए दोस्तों, क्या है कि सवाल है एक, ऐसे दे देगा, ठीक है, कहेगा 2 है 5 है 6 है 6 है, इसका टोटल रेजिस्टेंस बताइए क्या होगा, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस बताइए क्या होगा, तो क्या करेंगे, ये पैरेलल है, पैरेलल जोड़ दीजिए इसको, तो ये हो गया आपका, वही रहेगा 2 रहेगा और ये 5 रहेगा, और ये क्या हो जाएगा,
इसको पैरेलल जोड़ेंगे क्या बताए थे आपको, 1/6 + 1/6 यानी 2/6 कट के हो जाएगा 1/3 यानी 1/r बराबर 1/3 आया, तो r बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, पलट जाएगा ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 ठीक। अभी कितना हो जाएगा 5 × 2 = 7, 7 × 3 = 10 यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 10 ओम। देखिए कहने का मतलब है कि सवाल को ध्यान से देखिए कि कनेक्शन क्या है इसका, ये पैरेलल में था तो जोड़ दिए और दोनों सीरीज में था, पैरेलल को सीरीज में बदल दिए उसके बाद जोड़ दिए, आंसर आ गया ठीक है। इसी प्रकार सवाल को लगाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।